पीएम पद को लेकर गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी दावा जरूर करेगी, जब भी छोटी पार्टियों ने सरकार बनाई है वो एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दावा किया, कहा हम मोदी जी से अच्छी सरकार चलाएंगे, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पीएम मोदी पर निशाना, ट्विटर पर लिखा वाराणसी से जितवाने के लिए लोगों को दिया जा रहा है लालच और धमकी, बंगाल की तरह चुनाव आयोग की वाराणसी पर भी नजर नहीं। पीएम मोदी की आज आखिरी चुनावी रैली, मध्य प्रदेश के खरगोन में थोड़ी देर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव से पहले फिर हिंसा, बीजेपी नेता मुकुल रॉय और दमदम से बीजेपी प्रत्याशी शमिक भट्टाचार्य की गाड़ी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी नेताओं पर हमले पर शाहनवाज हुसैन ने कहा बंगाल में टीएमसी का सफाया तय, ममता बनर्जी ने चुनावी मैदान छोड़ा। मुकुल रॉय ने हमले के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, कहा सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की गिरफ्तारी करे पुलिस, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। गोडसे को पहला हिंदू आतंकी बताने वाले बयान पर कमल हासन कायम, कहा मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं, तमिलनाडु के करूर में चुनावी सभा में फेंके गए थे अंडे और पत्थर। चुनाव नतीजों से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा दाव, अगर पंजाब में कांग्रेस हारी तो दे देंगे इस्तीफा। साध्वी प्रज्ञा के लिए कांग्रेस नेता पारस सकलेचा भूले भाषा की मर्यादा, साध्वी के लिए इस्तेमाल किया डायन शब्द, गोडसे को देशभक्त बताने पर कहे अपशब्द। गोडसे पर साध्वी के विवादित बोल पर केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का बड़ा बयान, कहा वक्त माफी मांगने का नहीं मुखर होने का है। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने जी मीडिया से बातचीत में कहा गोरखपुर का इतिहास बदल देंगे, चुनाव के बाद गठबंधन का मुंह बंद हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश में मौजूद रहेंगे, सोलन में एक जनसभा करेंगे, पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी, मिर्जापुर और कुशीनगर में रोड शो होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज तीन सभाएं हैं, बांसगांव, सलेमपुर और गोरखपुर में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार, 19 मई को 59 सीटों पर वोटें। आखिरी चरण का प्रचार थमने के बाद कल पीएम मोदी जाएंगे केदारनाथ धाम, पीएम के ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पुलिस प्रशासन ने किए इंतजाम। श्रीनगर और अवंतीपुरा एयरबेस को जैश के आतंकी बना सकते हैं निशाना, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद बढ़ाई गई एयरबेस की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकी मारे गए, एक और जवान शहीद, भारी मात्रा में मिले हथियार। गुवाहाटी ग्रेनेड ब्लास्ट केस में असमिया एक्ट्रेस जानवी सैकिया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन उल्फा से जुड़े होने का शक, पुलिस की छापेमारी में एक घर में मिले हथियार। यूपी पुलिस ने दिल्ली से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए, दोनों पर स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने का आरोप। केरल के कोची में एक दिन के बच्चे के दिल का सफल ऑपरेशन, शरीर के सभी भागों तक खून की सप्लाई नहीं कर रहा था दिल। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पानी की कमी से जूझ रहे 210 गांव, सरकारी टैंकर के आने का रहता है दिन भर इंतजार। उत्तराखंड की 22 वर्षीय शीतल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, करीब 15 मिनट तक माउंट एवरेस्ट पर बिताया वक्त, 3 दिन में हासिल की उपलब्धि।